हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान, घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है एक देश एक समस्या एक समाधान लागू करने के लिए घंटी बजाओ। कोरोना के कारण जान बचाने के लिए लॉकडाउन हुआ है ना, देश में समस्या एक ही है, लेकिन अब इसके समाधान सब अपने अपने तरीके से ऐसे निकाल रहे हैं जिससे जनता असमंजस के वायरस में फंस जाती है। नोएडा वाले सोचते हैं दिल्ली जा पाएंगे क्या, दिल्ली वाले सोचते हैं हरियाणा जा पाएंगे क्या। पान गुटखा थूकना अपराध हो जाता है, एक राज्य बेचने पर बैन लगाता है, दूसरा राज्य दुकान खोल देता है, एक राज्य शराब टोकन से बिकवाता है, दूसरा राज्य होम डिलीवरी कराता है। यह सब इसलिए क्योंकि समाधान देने वाली एक केंद्रीय नीति नहीं है। इसी कारण मजदूर पैदल रह जाते हैं और मजदूरों के लिए आई बसों पर राजनीतिक ब्रेक लगा दिया जाता है। पूरी रिपोर्ट लगातार देखिएगा, सहमत हो तो जोरदार घंटी बजाइएगा, बहुत जरूरी है। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। विरोधी विचारधारा, दूसरी पार्टी के नेता जो जीवन भर पानी पी पी कर आपकी पार्टी आपकी विचारधारा को कोसते रहे, उनका स्वागत तो हाथ जोड़कर किया क्योंकि तब मुद्दा सरकार बनाने और सरकार बचाने का था। लेकिन जिन्हें सरकार बनाने में विधायक और नेता दूसरे दल के चल जाते हैं, वही मजदूर बचाने के लिए दूसरे दल की जुटाई गई बसों को नहीं चलने देना चाहते। कई बहनें गर्भवती हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं है, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं है, बल्कि काम ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। बस कांग्रेस की दी हुई ही अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए चला देती तो क्या यूपी के कासगंज में दिव्यांग पति रिंकू को अपनी दिव्यांग पत्नी के साथ यूं लाचारगी के बीच दिल्ली से बदायूं तक 300 किलोमीटर कभी साइकिल से कभी पैदल ले जाना पड़ता? कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से, और कहाँ जाना है? उजियानी। उजियानी, कब से चले हैं? साहब कल चले थे सुबह 4 बजे। दिल्ली से चलाते हुए आ रहे हैं यहाँ? हाँ साहब, वहाँ से दिल्ली चला था अलीगढ़ तक पैदल, अलीगढ़ से फिर साहब एक मतलब साहब मिल गया, उन्होंने एक ट्रक में बैठा के सिकंदर राव उतार के सिकंदर राव से पैदल पैदल। रिंकू जैसे मजदूरों के हित में घंटी बजाते हुए आज आप पूछिए सीधा सवाल हर राजनेता से, जब विरोधी पार्टी के सबसे बड़े नेता के राइट हैंड कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत पार्टी में फूल देकर किया जा सकता है, तब क्या इनकी विचारधारा का फिटनेस सर्टिफिकेट, इनके आगे बीजेपी में रहने का बीमा चेक किया गया था? अगर नहीं तो फिर अब कोरोना संकट काल में विरोधी दल मजदूरों के लिए बसें मुहैया कराता है तो उन बसों से सड़क पर पैदल चलते हुए ऊँघने लगी मजदूर की बच्ची को घर पहुंचाना ज्यादा जरूरी है या फिर कांग्रेस की भेजी गई बसों का फिटनेस टेस्ट कराना? 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध है, अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं इन पे, अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। सरकारी अगर कोई मदद करना चाहते थे तो उनको राजस्थान सरकार करना चाहती थी, सीधे अगर बसें देना चाहती थी तो उसको कहना चाहिए था। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी की माने तो बसें राजस्थान सरकार दे देती तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इन्हीं बसों से
उन मजदूरों को घर भेजने में दिक्कत नहीं होती जो अपनी जान जोखिम में डालकर यू टैंकर के ऊपर बैठकर अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन चूंकि बस भेजने का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, इसलिए उसमें हर तरह की जांच यूपी सरकार की तरफ से करा डाली गई। 297 बसें कबाड़ की हैं, कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है। 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो थ्री व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। जब सरकार बनाने के लिए विरोधी पार्टी का नेता गले लगाते हैं, तब तो नहीं देखते होंगे कि पहले कितनी बार बीजेपी को कोसा था, तब तो नहीं देखते होंगे कि विचारधारा को कितनी बार कटघरे में खड़ा किया था, तब तो नहीं देखा होगा कि पार्टी के बड़े नेताओं को क्या क्या बोला था। राजनीतिक जरूरत के वक्त विरोधी नेता साथी बन सकता है, तो क्या गाजियाबाद में धूप के बीच अपने अपने घर जाने के लिए बच्चों को हवा में लहराकर ट्रक पर चढ़ाने के लिए मजबूर हुए प्रवासियों के परिवारों को उन बसों से नहीं भेजा जा सकता था जो विरोधी दल ने मुहैया कराई? मेरे पीछे जो आप ये कतार देख रहे हैं, ये सभी वो बसें हैं जो भरतपुर के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। लाइन में आप देखिए कितनी लंबी कतार है इन बसों की, इनको एक एक करके गिन पाना काफी मुश्किल था। लेकिन बस की इस राजनीति में, यानी योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी की राजनीति में, ये बसें कई दिनों से यहीं पर बेबस की तरह खड़ी हैं। इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जो बाकी गाजियाबाद बॉर्डर है, नोएडा बॉर्डर है, कल रात को भी वहां बसें देखी गई और उनको नोएडा से बाहर कर दिया गया। इसी तरीके से ये बसें जो हम ये आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी कतार है, इसका मकसद ये है कि क्या कांग्रेस ने दिल्ली में यूपी बॉर्डर पर नोएडा के पास और उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर भरतपुर के पास सैकड़ों बसों को यूपी में सरकार के जरिए मजदूरों की मदद के लिए भेजा। 4 दिन बीते, बसों के पहिए सियासी खींचतान के ब्रेक में फंसकर मजदूरों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। बसों के पहिए आगे बढ़ते तो लखनऊ में साइकिल पर बच्चों को बैठाकर घर ले जाने की मजबूरी में ये परिवार न गुजरता। काम वाम तो सब बंद है, शुरू में राशन भी मिल रहा था, अभी 1 महीने से राशन अभी नहीं मिल रहा है, तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ रह के क्या करेंगे। साइकिल से कैसे जाएंगे? इतने साइकिले से जाएंगे अभी। कितने दिन का बच्चा? ये 2 साल का है सर। ये इस तरह साइकिल से छत्तीसगढ़ लेके जाएंगे, क्या करें सर? भूख तो ऐसे भी मर रहे हैं यहाँ रह के, अब वही रोक लेगा, क्या करेंगे सर, वही रुक जाएंगे। डर नहीं लगता आप लोगों? क्या डर लगेगा, भूखे प्यासे हैं तो क्या करें, अपने गाँव में जा रहे हैं। कहाँ कोई खाना दिया सर, जब से हम खरीद के खाएं, एक बार बस कलेक्टर को फोन किए तो एक बार हमको खाना राशन मिला, वो भी 2 किलो चावल 2 किलो आटा, उसके बाद आया नहीं, तो अब कहाँ तक हम खरीद के खा लेंगे। यूपी सरकार का दावा है कि 27,000 बसें मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन ये बसें भी काफी नहीं है। इसीलिए तो देखिए कैसे पुलिस वाले ही यूपी के मजदूरों को भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में चढ़ाकर आगे भेजते हैं। बसें सरकार की पूरी नहीं पड़ रही हैं, तभी तो सड़क किनारे मजदूर माँ और बच्चे दिखते हैं। मिट्टी से सने पैदल आते पैर मजदूर के नजर आते हैं और दिखती है सड़क पर हादसों की तस्वीरें। और ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि कोरोना जैसे संकट के काल में एक देश एक समस्या एक समाधान पर केंद्रित नीति कोई नहीं सोच रहा। लॉकडाउन हुआ तो मजदूरों की वापसी की नीति अधूरी बनी। ट्रेन के किराए से लेकर मजदूरों की बस तक पर सिर्फ राजनीति हुई। इसीलिए आज आप एक देश एक समस्या एक समाधान लागू करने के लिए घंटी बजाओ। लॉकडाउन में समाधान एक नहीं है, इसीलिए राजनीति बहुत है। कांग्रेस बसें लेकर आई तो क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए ही? क्या राजस्थान से अपने गांव पैदल लौटते मजदूरों को कांग्रेस की जुटाई 1,000 बसों में जगह नहीं मिलनी चाहिए? भाई बस है तो राजस्थान के मजदूरों को ही बैठाकर यूपी के बॉर्डर तक छोड़ दो। एक तरफ लिखा है राजस्थान, दूसरी तरफ लिखा है उत्तर प्रदेश। ये राजस्थान के भरतपुर में उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सीमा है। इसी बॉर्डर पर यूपी में मजदूरों की मदद के नाम पर लाई गई कांग्रेस के दावे वाली बसें खड़ी हैं।
स्कूल की बस है, छोटी बस है, प्राइवेट बस है। सवाल सीधा सा, बस है तो राजस्थान में मजदूर के पैर में छाले क्यों हैं? ये छाले याद दिलाना जरूरी है, ये छाले मजदूर के पैर के, पैदल चलते मजदूर के पैर में ये छाले। भरतपुर में उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर ही हमें देखने को मिलते हैं। जयपुर से उत्तर प्रदेश के गोंडा पैदल 750 किलोमीटर आते हुसैन के पैर में छाले पड़ गए। तो क्यों नहीं कांग्रेस की बस उसे राजस्थान के भीतर यूपी बॉर्डर तक लाने के लिए मिल पाई? इसीलिए मजदूर के पैर के छाले से रिश्ते पानी पर राजनीति का पपोला हो जाता है। राजस्थान के द्वारा एक कृत्य किया गया, वहाँ के श्रमिकों को जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो राजस्थान में पैदल टहल रहे हैं, उनको क्यों नहीं लाया गया और खाली बसों को क्यों भेजा गया? वो राजस्थान सरकार जो हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को जो वहाँ पर सड़कों पर टहल रहे हैं उनको लाने का क्या काम नहीं कर रही है? उनके वो काम नहीं आ रही है। एक बार फिर से देखिए, राजस्थान से बसें लाकर कांग्रेस यूपी के बॉर्डर पर खड़ी कर देती है, लेकिन इनके दरवाजे उन मजदूरों के लिए राजस्थान में नहीं खुले जो कांग्रेस की यूपी के लिए खड़ी की गई बसों के बगल से पैदल सड़क नापते दिखते हैं। राजस्थान में पैदल चलते ये मजदूर क्यों नहीं कांग्रेस को, कांग्रेस की तरफ से बस लाने वाले नेताओं को नजर आते? क्यों नहीं इन मजदूरों को राजस्थान में ही बस मुहैया करा के कम से कम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक लाने का इंतजाम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की राजस्थान सरकार करती है? बस नहीं मिली सर, हम भीड़भाड़ से आ रहे हैं, नहीं खाने को है ना पीने को है, ऐसी पैदल चले आ रहे हैं सर। कहाँ जाएंगे? हम बिहार जाएंगे सर। सर कोई पूछ तो ना रहा है, हम लोग इतना दूर रोड से आए तो कोई तो ही ना कह रहा है कि हाँ तुम्हें हम भेजने का व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। हम क्या करें बताइए, हम पैदल जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में 1000 बस भेजी जा रही है भरतपुर से, और आप भी भरतपुर बॉर्डर पे हो तो क्या आप नहीं बैठेंगे इनमें? बैठाएंगे तो बैठेंगे सर, नहीं बैठाएंगे तो हम लोग तो जा ही रहे हैं पैदल सर, क्या करेंगे सर, हम लोग का तो मजबूरी है। मजदूर की मजबूरी के जख्म पर ये बसें अब नमक छिड़क रही है और पूछता है जयपुर से मध्य प्रदेश 732 किलोमीटर पैदल जाता 7 साल का बच्चा, हमारे पैर दर्द होते हैं क्या नेताजी, तुम्हारा दिल भी नहीं दुखता? पैदल पैदल ही चल रहा है, कोई साधन नहीं मिला, कोई बस भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं। कहाँ जाना है? एमपी। क्या नाम है? अनिल। जब एक देश है समस्या एक है तो समाधान एक होकर क्यों नहीं निकालते? ऐसी नीति बनती जहाँ राज्यों के बीच समन्वय का इंतजाम केंद्र करता, राज्यों को बॉर्डर तक मजदूरों को बसों में बैठाकर लाने का निर्देश होता, बॉर्डर से दूसरे राज्य की जिम्मेदारी अगली सीमा तक मजदूर को ले जाने की होती। फिर ना तो बसें बॉर्डर पर ही खड़ी इंतजार करती, न मजदूर पैदल चलने को लाचार होते। अब नियमों की ऐसी भूल भुलैया में जनता को उलझाया जा रहा है जहां आम आदमी के लिए बचना मुश्किल है और फंसना तय है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब समस्या एक है कोरोना, जब देश एक है तो क्यों नहीं एक देश एक समस्या एक समाधान की कोशिश होती है, और नहीं हो रही है इसी कारण देखिए कैसे जनता को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ১৯ मई शाम का मुंबई का ये वीडियो देखिए, सिर पर अपना सामान बांधकर प्रवासियों का सैलाब अचानक स्टेशन पर पहुंच गया। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोरोना का संक्रमण फैलाने वाली भीड़ क्यों जुटी? क्योंकि मुंबई के बांद्रा ईस्ट टर्मिनस पर यह अफवाह फैली कि एक एक्स्ट्रा ट्रेन बिहार जाने वाली है। बस इसी के बाद वो लोग जिन्हें पहले ट्रेन में जाने की इजाजत नहीं मिली वो अफवाह के कारण यहाँ आकर जुट गए। आप लोगों के लिए यूपी तथा बिहार ले जाने के लिए ट्रेनों का प्रबंध किया गया है। अफवाह दिल्ली में प्रवासियों के बीच ना फैले इसीलिए पुलिस शेल्टर होम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मजदूरों के बीच अनाउंस कर रही है। बारी बारी से फोन पर मैसेज देकर
डीएम ऑफिस बुलाया जाएगा। कह रही कि मजदूर खुद डीएम ऑफिस आकर अपना नाम पता लिखाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर मोबाइल पर घर भेजे जाने का मैसेज आने का इंतजार करें। जाकर अपना नाम लिखवा दें और पुलिस के साथ सहयोग करें। मजदूर रजिस्ट्रेशन के लिए सैकड़ों की तादाद में जुट जाते हैं तो क्या होता है, आपने दो दिन पहले गाजियाबाद में देखा है, जहां रामलीला मैदान में संक्रमण का खतरा और बढ़ गया। ऐसे में क्या यह एक समाधान सब जगह लागू नहीं हो सकता कि मजदूरों को पहले किसी शेल्टर होम में ठहराया जाए और फिर शेल्टर होम में ही सरकारी अधिकारी प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन करें, ताकि मजदूरों को कहीं भीड़ लगाकर रजिस्ट्रेशन के लिए इकट्ठा ना होना पड़े। जब सरकारें लॉकडाउन 4 में एक समस्या का एक समाधान खोजे बिना कंपनियों फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ खोल देती हैं, तो पत्थर चलने की नौबत आती है। ये तस्वीरें बुधवार की गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की है, जहां बॉर्डर पर दिल्ली के आखिरी गांव सालापुर खेड़ा के लोगों ने गुरुग्राम पुलिस पर इसलिए पथराव कर दिया क्योंकि पुलिस दिल्ली के लोगों को मूवमेंट पास होने के बावजूद हरियाणा में दाखिल नहीं होने दे रही थी। ये देखो मारुति का पास है, ये पास है मारुति का, ऐसे बहुत पास है, बहुत दिखाता है हम पानी का पास है, कई बारी आदमी को नहीं जाने दे रहे। ये दीदी ठीक है, मूवमेंट पासेस है, उन्हीं को कह रहे अलाउड करें, बाकी को ना जाने। ये देखो भाई, ये देखो जनता का यही आक्रोश दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पुलिस को देखना पड़ सकता है, जहां भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। दिल्ली और नोएडा में शर्तों के साथ कंपनियों और कुछ उद्योग धंधे सरकार ने खोल दिए तो जनता अपनी अपनी नौकरी बचाने निकल पड़े। लेकिन अब दिल्ली के लोग नोएडा में और नोएडा के लोग दिल्ली में क्या बिना पास बनवाए आ सकेंगे? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो फिर कंपनी को क्या जवाब देंगे? ये सब सोचा ही नहीं गया, इसीलिए बॉर्डर पर जांच के नाम पर जाम लगता है। असमंजस और अपने हिसाब से कानून लागू करने की छूट देश में कैसे सामाजिक दूरी के मकसद और कोरोना को रोकने की कोशिश को नुकसान पहुंचा रही है, इसकी गवाही देती तस्वीरें दिल्ली से संवाददाता अंजलि सिंह लेकर आई। सरकार ने नियम बना दिया कि बस में 20 यात्री से ज्यादा हुए तो बस नहीं चलेगी, इसीलिए बस आते ही यात्री संक्रमण के खतरे के बीच अपनी सीट पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ड्यूटी जाना है और बस मिल नहीं रहा है, मालिक तो ये मानेगा नहीं कि वो तो यही कहेगा बस खुला है, तुम आती नहीं ड्यूटी, इंतजार कर रहे हैं। देखो साइन ओवर से खड़ा हूँ मैं यहाँ, अब क्या करें जी मैडम, देखना पड़ रहा है हमें तो, परेशान तो हम भी हैं, क्या करें, पब्लिक देख रहे हो परेशान हो रही है, हम भी परेशान हो रहे हैं। लोग चढ़ रहे तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हमें अपने भी बीवी बच्चे पालने हैं, इनके भी देखना है, सबको कर तो रहे हैं मैडम कुछ ना कुछ। जनता को परेशानी क्यों हो रही, क्या इसके बारे में बिना सोचे बसें चला दी गई और दफ्तर खोल दिए गए? अंजलि सिंह ने दिल्ली के परिवहन मंत्री से पूछा। 1400 बसें जो हैं वो स्पेशल हायर पे थी, या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनको हायर पे लिया हुआ है माइग्रेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे स्टेशन, और 400 बस के आसपास दिल्ली पुलिस ने हायर किया हुआ है, तो एक बड़ी संख्या में बसें जो हैं वो हमारे पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। आई थिंक 3-4 दिन और ये ट्रेन का शेड्यूल है। यानी सरकार को भी पता था कि शुरुआत में दिक्कत आएगी क्योंकि बसें उपलब्ध नहीं है, तो क्यों नहीं बसों का पूरा इंतजाम करके फैसले लिए गए? क्या इस जल्दबाजी से कोरोना बढ़ने का खतरा नहीं है? कोरोना कहां से आया, चीन के वुहान से निकला ना, पूरी दुनिया में फैला, ऐसे में क्या नीतियों में चूक देश में कोरोना का खतरा रोक पाएगी? एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। झारखंड में पान गुटखा भी बैन है, यूपी में नहीं है, राजस्थान में पान गुटखा नहीं बेच सकते, गुजरात में अब बेच सकते हैं। जब थूकना दंडनीय अपराध हो चुका है तो पान गुटखे को लेकर अलग अलग नीतियां क्यों? जो गुटखा पान मसाला खाता है वो थूकता भी है, कहीं भी कभी भी। सब जान रहे हैं कि अब ऐसे कहीं भी थूक देने का मतलब है कोरोना का वायरस समाज में फैलाना।
और सब पहले से जानते हैं कि तंबाकू, पान मसाला ये सब आम आदमी थूकेगा नहीं और घुट जाएगा तो उसकी भी जान को खतरा है। लेकिन सरकारी असमंजस कैसे पैदा करती है देखिए। बाहर थूकना दंडनीय अपराध होगा, गृह मंत्रालय कह चुका है, और दूसरी तरफ सरकारें खुद पान गुटखा की दुकानें खोल देती है। ऐसे में गुजरात के राजकोट से आई तस्वीरें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि सरकारें कोरोना से बचाने के नाम पर असमंजस क्यों फैलाती है। जिस गुजरात में खुले में थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना लेने का नियम सरकार ने बनाया, उसी गुजरात के राजकोट में 19 मई को पान की दुकानें सरकार के आदेश से खुली तो पान गुटखा पान मसाला लेने वाले लोगों की लाइन लग गई। अब सरकारों से कोई पूछे कि अगर थूकना दंडनीय अपराध है तो क्या गुटखा मसाला खिलाना जरूरी है, कोरोना जैसे विषम संकट काल में असमंजस का ये वायरस देश में इसलिए फैल रहा है क्योंकि अभी सब अपने अपने हिसाब से नियम कानून तय कर रहे हैं। इसीलिए आज घंटी बजाओ की राय है कि जैसे राज्यों की सहमति से जीएसटी का एक कानून देश में लागू हुआ, उसी तरह देश में लॉकडाउन में समाधान के लिए एक जैसी नीतियां लागू हों। राष्ट्रीय आपदा के वक्त अलग अलग नियमों की जगह नीति निर्धारण केंद्रीय हो ताकि एक देश एक समस्या का मिलकर एक समाधान निकाला जा सके। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर जोरदार घंटी बजा दीजिए।